आज हम बना रहे बढ़िया से चार चार तरह के लड्डू जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। चारों के चारों ही बहुत औसम है। सूजी बेसन का लड्डू हम बनाएंगे, दूसरा हम बनाएंगे आटे नारियल और लेफ्ट ओवर घी का मावा जो रहता है ना उसका यूज़ करके ये लड्डू बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और हम सब का फेवरेट सिंधी मुठिया, मेरा तो फेवरेट है, बहुत ही आटे से बनते हैं ये लड्डू। और चौथा बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के ये लड्डू बनेगा जो इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है, आपको बहुत पसंद आएगा। चारों के चारों औसम है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सूजी बेसन के लड्डू जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। बहुत बहुत बढ़िया, आप चारों ही रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया एक कप सूजी, मोटी बारीक कोई भी चलेगी, उसमें डाल देंगे एक कप बेसन। और सूजी और बेसन को कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। बिल्कुल अलग तरीका है बनाने का, आप ज़रूर देखें इसे। 3 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ घी, छोटा चम्मच है ये। 3 चम्मच भर के घी डाल दिया और घी को अच्छे से बेसन और सूजी में मिक्स कर लेंगे। ये 3 चम्मच रहेगा हमारा अच्छा सा मोइन, और मोइन को अच्छे से हमें मिक्स करना है। और फिर हम इसका आटा लगाएंगे, तो मोइन चेक कर लेंगे कि परफेक्ट है कि नहीं है। इस तरह बांध के देखेंगे अच्छे से बंध रहा, मतलब मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस पानी डालते हुए इसका हम आटा गूंद लेंगे। अच्छा टाइट सा आटा रहेगा, बस पानी डालते हुए इसका आटा गूंदना। और एकदम डिफरेंट मेथड है ये लड्डू बनाने का, तो इसको आप ज़रूर देखिए और ट्राई ज़रूर कीजिए। बस इसको 15-20 मिनट रख देते रेस्ट करने के लिए। और 20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से ना इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ बनाना है आटे की पूरी, और इसको हमें करना है फ्राई। तो सारी टिक्कियाँ इस तरह से बनानी है हमें, और इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम आंच पे, मीडियम टू लो करके आप इसको फ्राई करें, ताकि अंदर तक ये जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाए, हमारे लड्डू जो है अच्छे बने, मतलब खाने में बड़े टेस्टी लगे, कच्चापन ना हो उनमें। तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करना है। ये आप देख रहे हो इतना अच्छा कलर आ गया इसका। तो सारे इसी तरह से हमको रेडी करना है, फ्राई करके निकालना है, रखना है, और इनको ठंडा करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सारे जो है मैं इस तरह से बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। तो ये सारे रेडी हो चुके हैं बढ़िया से। और ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, छोटा छोटा पीस करेंगे। अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में और इसको पीस लेंगे। बढ़िया सा पाउडर बन जाएगा ये हमारे लड्डुओं का, देखिए फाइन सा पाउडर बन चुका है। फिर थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट रोस्ट करती हूँ। यहाँ 1 बड़ा चम्मच घी का ले लिया है, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू और कुछ पिस्ता मैं यहाँ पे ले रही हूँ, थोड़े थोड़े। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो, बिना ड्राई फ्रूट के भी आप लड्डू बना सकते हो। तो ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, और रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके आप मिक्सी के जार में इसको डाल के पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सी के जार में इसको डाल दिया है, और इसको बढ़िया से पीस लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दरदरा सा पीसा है, मतलब ज़्यादा एकदम फाइन नहीं किया, थोड़े थोड़े पीसेस दिख रहे हैं बढ़िया ड्राई फ्रूट के। और थोड़ी सी किशमिश भी अभी मैं ऐड कर ली, किशमिश को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो किशमिश मैंने लास्ट में ऐड की है। बस सब चीज़ों को अच्छे से हमारे लड्डुओं के मिक्सचर में मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से ड्राई फ्रूट। और यहाँ पे चाशनी हम रेडी कर लेते हैं, 1 कप शक्कर और 1/2 कप रहेगा पानी का, और थोड़ी सी इलायची मैंने फ्लेवर के लिए डाल दी है। तो बस शक्कर मेल्ट होने जितनी हमें चाशनी चाहिए, कोई तार वार हमें चेक नहीं करना, बस शक्कर मेल्ट हो जाए बस इतना ही। तो ये जो चाशनी रहेगी ना, इसको हमें डालना है अपने लड्डुओं के मिक्सचर में। तो यहाँ मैंने चाशनी जो है गरम गरम चाशनी इसके ऊपर डाल दी है, और बढ़िया से लड्डू बांधना चालू कर रही हूँ मैं। तो ये थोड़ा गरम गरम में ही काम आपको करना है, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो इसीलिए आपको गरम गरम में ही काम करना है। तो बस ये लड्डू जो है बढ़िया से बंध रहे और बिल्कुल तैयार है, और मतलब ठंडा होने के बाद अच्छे दिखते हैं, एकदम गीले बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, एकदम ड्राई लगते हैं, और खाने में बहुत मज़ेदार है, सॉफ्ट भी लगेंगे, ड्राई भी लगेंगे। चलिए अब दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये है आटा नारियल मावा के लड्डू। यहाँ पे ले ली मैं 2 बड़े चम्मच घी का, और इसमें डाल देंगे हम इलायची, और आटे को करना है इसमें हमें रोस्ट। गेहूँ के आटे से हम बना रहे हैं, तो 2-3 इलायची तोड़ के यहाँ पे डाल दे रही हूँ। आपके पास इलायची पाउडर तो इलायची पाउडर आप डाल दो, और 1 कप डाल देंगे गेहूँ का आटा। तो ये बड़ा सी गेहूँ के आटे से बनेगा हमारे ये लड्डू, और इसमें मैं लेफ्ट ओवर घी के मावे का यूज़ कर रही हूँ। जब घी निकालते तो नीचे मावा बच जाते ना, उसका यूज़ करूँगी यहाँ पे मैं। गैस को कर दिया मैंने बंद, अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें, धीमी आँच पे मैंने इसे रोस्ट किया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नारियल, 1 कप भर के नारियल ग्रेट किया हुआ, ये बहुत ही अच्छे से ग्रेट किया हुआ नारियल है। 1 कप मैंने नारियल डाल दिया, और 1 कप हमने आटा लिया था, तो दोनों सेम क्वांटिटी में हमने लिए यहाँ पे।
बस अच्छे से नारियल भी जो है रोस्ट हो जाएगा। ये मैं ले रही हूँ लेफ्ट ओवर घी, तो लगभग हाफ कप जितना मेरे पास लेफ्ट ओवर घी का मावा है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप जो नॉर्मल मावा रहता है वो भी आप ले सकते हो। अभी फ्लेम को कर देना है ऑन और धीमी आंच पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मावा जो है नारियल और आटे में अच्छे से मिल जाए और धीमी आंच पे ही अच्छे से रोस्ट भी हो जाएंगी सब चीज़ें। बस अभी जो ड्राई फ्रूट इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, आप चाहे तो रोस्ट करके ऐड करें या तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें आज ऐसे ही डाले हैं, तो पिस्ता, थोड़ी सी चिरौंजी है, बादाम के टुकड़े हैं, ये सब मैंने इसमें कर लिए हैं मिक्स, और बढ़िया से ड्राई फ्रूट भी इसमें रोस्ट हो जाएंगे। और इसमें हमें चाशनी डाली, तो सेम चाशनी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वैसी चाशनी मैंने यहाँ पे भी बनाई है। एक कप शक्कर, आधा कप पानी डाल के शक्कर को मेल्ट करने जितना, और बस ये चाशनी इसमें डाल दी है और अच्छे से मिला लिया है। अच्छे से आटा फूल चुका है, मिक्सचर जो है हमारे लड्डू का बिल्कुल तैयार है। तो इसको शिफ्ट कर लेंगे हम एक ग्रीस लगी हुई थाली में। तो यहाँ मैंने थाली में ये सारा मिक्सचर डाल दिया है और गर्म गर्म में ही हम इसके लड्डू जो है बांधेंगे। तो यहाँ जिस मैंने एक टेबल स्पून साइज़ का चम्मच लिया है जिसमें ये मिक्सचर डाल दिया है, ताकि हम लड्डू जो है सब परफेक्ट साइज़ के बने। तो ये लड्डू बिल्कुल तैयार है हमारे। थोड़े से ठंडे होने के बाद ही घी जो है सूखा सूखा आपको देखेगा, मतलब गीला गीला लग रहा है ना, वो इतना गीला नहीं देखेगा। तो बस ये लड्डू गरम गरम में ही हमें बांधना है और बहुत बढ़िया से प्यारे से लड्डू बनकर ये तैयार है हमारे। तो कैसे लगे आपको ये लड्डू ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब दूसरे लड्डू बनाते हैं, मतलब तीसरे लड्डू बनाते हैं, जो कि है सिंधी मुट्ठी, जो कि हम गेहूँ के आटे से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं। यहाँ मेरे लिए है 5 कप गेहूँ का आटा, बहुत ज़्यादा लड्डू बना रही हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे उसका हाफ हमें शक्कर लेना है, मतलब 2.5 कप हमें शक्कर लेना है, और 3/4 कप मैंने लिया है घी। तो अभी थोड़ा सा शक्कर जो है मैं इसमें डाल रही हूँ, मतलब शक्कर पीस लिया मैंने, और यहाँ पे थोड़ी सी शक्कर यहाँ पे ऐड कर ले रही हूँ आटे में, और बाकी जो शक्कर है ये बाद में जब लड्डू बनाएंगे ना बांधेंगे तब हम वो शक्कर ऐड करेंगे। और बस ये जो हमने 3/4 कप जो घी लिया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे मोइन के लिए। आप चाहे तो मेल्ट किया हुआ घी ले लें, मैंने तो ऐसे ही जमा हुआ ही ले लिया है। और आटे में सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी शक्कर हो गई, मोइन हो गया, घी हो गया, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और बस पानी डालते हुए इसका टाइट सा आटा गूंदना है। आटा ध्यान रखना है टाइट गूंदना है, हमें सॉफ्ट नहीं गूंदना है, बिल्कुल टाइट, जैसे हम कुकी के आटे गूंदते हैं ना उसी तरह से बिल्कुल ये टाइट सा आटा मैंने गूंद लिया है। और बस इसको हम बेलना चालू करेंगे, ज़्यादा देर इसको रखना नहीं तो सॉफ्ट हो जाएगा आटा, क्योंकि हमने इसमें शक्कर डाली है ना। बस इसको बेलना है, थिक सी रोटी बनानी है। आप सोचिए मैं लड्डू बना रही हूँ, लड्डू की जगह रोटी कहाँ से आ गई। इसी तरह से बनाना है, इसे इसकी रोटी बनाना है, और इसको हम करेंगे कट। इतनी थिक सी मैंने रोटी बनाई है, और बस इसको थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। कट करने के बाद ये जो पीसेस है ना, इनको हमें डीप फ्राई करना है। तो बस कोई भी शेप में आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इतनी थिकनेस वाले पीसेस बनाने हैं और इनको कर देना है हमें फ्राई। तो यहाँ पर भी जो तेल रहेगा मीडियम गरम रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम ना हो, और मीडियम आंच पे मीडियम टू लो करके आप उसको फ्राई करें, ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए, कच्चे ना लगे। बाहर से जल्दी गोल्डन हो गए और अंदर से कच्चे रह गए तो लड्डू जो है वो कलर भी अच्छा नहीं आएगा लड्डू का, और कच्चे लगेंगे खाने में। बस ये मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए, बाहर से एकदम अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इस तरह मैंने सारे आटे के इस तरह से फ्राई कर लिया है। और आप क्या करेंगे, ठंडा होने के बाद इसको हम तोड़ तोड़ के मिक्सी के जार में डाल देते हैं। मिक्सी के जार में ऑलरेडी मैंने शक्कर पीसी थी, तो थोड़ी सी शक्कर का पाउडर लगा हुआ है उस पर, और ये इस तरह से तोड़ के थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके मैं पीसती जाऊँगी, और सारे लड्डू का जो आटा है हमारा ऐसे रेडी करेंगे। और इसको आटे को हम शिफ्ट करेंगे बड़े सी बर्तन पर। अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेती हूँ इसमें डालने के लिए। तो यहाँ घी डाल दिया, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, तो आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ऐसे भी लड्डू अच्छे लगते हैं। तो बस काजू बादाम को थोड़ा रोस्ट कर लें और मिक्सी जार में डाल के पीस लेना है। तो रोस्ट हो चुके हैं बढ़िया से, और ये आटा भी हमारा पूरा रेडी है। अब इसमें शक्कर ऐड कर लेती, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना शक्कर, वो इसमें बाकी बची हुई शक्कर ऐड करते, तो छान के ऐड करेंगे, अक्सर गुठलियाँ आ जाती है शक्कर में, छान के ही ऐड कीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो बस छान के ही मैंने शक्कर डाल दी है, और ये जो ड्राई फ्रूट थे काजू बादाम उनको भी मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है, और ये ड्राई फ्रूट भी हमने डाल दिए इसमें। आप चाहे तो किशमिश भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली है। बस सारी चीज़ों को करना है अच्छे से मिक्स, और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं इलायची पाउडर, थोड़ा सा आधे चम्मच जितना बढ़िया इलायची पाउडर, और सब चीज़ों को करना है मिक्स। और इसमें ना लगेगा घी, अभी हमें बांधने के लिए हमें इसमें घी चाहिए, और ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम घी डालते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और जितना मैंने कटोरी जितना घी लिया है मेल्टेड, ये पूरा घी इस पर लग जाएगा, क्योंकि ना जो लड्डू है बहुत सारी क्वांटिटी में है, आटा आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करती जा रही, तो ये पूरा घी जो है मुझे एक कटोरी जितना घी इसमें लग गया।
अब बस सबको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स बढ़िया से और लड्डू बनना चालू करते हैं और लड्डू बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अगर आपको लगे और भी दिक्कत कि नहीं बन रहे तो आप घी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। तो बस ये हमारे मुट्ठे जो है आटे के लड्डू बिल्कुल तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं अब दूसरी रेसिपी, मतलब फोर्थ रेसिपी हमारी, जो कि रहेगी इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू मैंने तैयार किए हैं आपके लिए, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 बड़े चम्मच ले लिया है मैंने यहाँ पे घी, और यहाँ पे इस घी जैसे ही मेल्ट होता है, ये अभी बहुत जमा हुआ है, घी जैसे ही गर्म होता है तो इसमें डाल देंगे हम एडिबल गम। घी ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ा सा ही गर्म हो, और एडिबल गम जो है, गोंद जो है, उसको हम करेंगे फ्राई। तो इसको आपको धीमी आंच पे फ्राई करना है, तेज़ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। धीमी आंच पे बहुत अच्छे से फूट फूट होके फूल जाते हैं। और इसको मैंने निकाल दिया, अब इसमें रोस्ट कर लेती हूँ बादाम अखरोट। तो बादाम अखरोट दोनों ही बच्चों के लिए, ब्रेन के लिए आपको पता है बहुत अच्छे रहते हैं, तो इसलिए हम ये इसमें अखरोट भी डालेंगे और बादाम भी डालेंगे। तो इसको भी निकाल दिया मैंने। अब मैं इसमें अलसी के दाने जो रहते हैं ना वो रोस्ट करी। तो अभी आप देख रहे हो पैन मेरा बिल्कुल क्लीन है, घी नहीं है, बगैर घी के हम इसको रोस्ट करेंगे अलसी के दानों को। बस अलसी के दाने भी रोस्ट हो चुके हैं, इसमें अब डाल देती हूँ मैं तिल, सफ़ेद वाले तिल, इसको भी कर लेते हैं हम रोस्ट। ये भी बस तड़तड़ करने लगेंगे, उतना ही हमें रोस्ट करना है। तो जितनी आप क्वांटिटी बना रहे हो उस हिसाब से आप सब चीज़ें ले लो। और ये भी हो गया, मैं इसमें डाल दिया मूंगफली के दाने, इसको भी मैं रोस्ट कर ले रही हूँ, हाफ हाफ कप मैंने लिए हैं यहाँ पे, ये भी रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ नारियल ग्रेट किया हुआ, और इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम कर लेंगे रोस्ट, और फिर सबको हम मिलाने वाले हैं। अब नारियल का हो गया ये, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ मखाने। मखाने भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, आप ज़रूर इसको डालें। और मखानों को भी मैंने कर लिया है रोस्ट, इसको भी मैं निकाल दे रही हूँ। अब सब चीज़ों को एक एक करके हम पीसते जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अलसी के दाने जो मैंने पीस लिए थे, ये है मखाने, मखाने का पूरा पाउडर बन गया पीसने के बाद। ये है मूँगफली के दाने, इसको भी मैंने पीस लिया था, और मूँगफली के दाने भी बढ़िया से लगते हैं इसमें, मस्त लगते हैं। और ये एडिबल गम है, इसको भी मैंने पीस लिया था, सबको अलग अलग करके पीसा है मैंने। और ये ड्राई फ्रूट है जो कि बादाम और अखरोट है, तो थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है मैंने इसे। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने पीसी थी सबको मिक्स करना है, और जो हमने नहीं पीसी है वो है सफ़ेद तिल, इनको पीसना नहीं है, और नारियल है ग्रेट किया हुआ नारियल जिसको हमने रोस्ट किया था, इसको भी इसमें मिला देते हैं बढ़िया से। और इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। और इसमें शक्कर नहीं डालेंगे, हम गुड़ डालेंगे बढ़िया से। अभी थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर डाल रही हूँ मैं फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। तो ये 2 पाउडर मैंने और थोड़े थोड़े से डाल दिए। अब चलिए हम बनाते हैं गुड़ की चाशनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट पानी ले लेती हूँ, 1/4 कप जितना पानी रहेगा, और 1 कप है गुड़। गुड़ को थोड़ा सा कूट लिया था मैंने, छोटा छोटा पीस कर लिया था। अब इसको करते हैं हम मेल्ट, इसकी बढ़िया सी चाशनी बन जाएगी। मेल्ट हो गया है गुड़, बस इतना ही हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। ये चाशनी बिल्कुल रेडी है, और इसको हम डाल देंगे हमारे मिक्सचर में। लड्डू का जो मिक्सचर बनाया ना हमने, उसे हम छान के डालेंगे। गुड़ में कई बार कचरा सा होता है, तो इसको हम छान के ऐड करेंगे। तो बस गरम गरम गुड़ को अच्छे से मिक्स कर देते हैं हमारे मिक्सचर में, लड्डुओं के मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। और इतनी चाशनी बिल्कुल ये पर्याप्त है इतने लड्डुओं के लिए, मिठास भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस सबको मिक्स कर लिया, हाथ पे थोड़ा सा घी लगा दिया, और बढ़िया सा लड्डू बना देंगे, छोटे बड़े जितने आपको पसंद हो उतने लड्डू बनाइए। ये लड्डू बहुत अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए, एकदम इम्यूनिटी बूस्टर है। आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने इसमें अलसी के दाने डाले हैं ना, बहुत बढ़िया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट करके कौन सा वाला लड्डू आपको ज़्यादा पसंद आया। चारों लड्डू मेरे को तो बहुत पसंद है, आपको कौन सा पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश, वाहे गुरु।